नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छठे चरण में 3 बजे तक बिहार में हुई बम्पर वोटिंग। सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद परिसर में नहीं चलेगा स्कूल। शिक्षा विभाग का फरमान। क्या है बिहटा एयरपोर्ट का ताजा अपडेट? सरकारी अस्पतालों में मुस्कान प्रमाणन स्थापित करने की तैयारी। BCCI ने राजस्थान टीम के इस खिलाड़ी पर लगाया बड़ा जुर्माना। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठे चरण में 3 बजे तक बिहार में हुई बम्पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीट वैशाली, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक राज्य में 45.21% मतदान दर्ज हुआ है। वैशाली में सबसे अधिक मतदान हुआ। 48.94% मतदान वैशाली में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम मतदान सीवान में 39.81% के साथ दर्ज हुआ है। सामुदायिक भवन, मंदिर, मस्जिद परिसर में नहीं चलेगा स्कूल। शिक्षा विभाग द्वारा राजधानी पटना में सामुदायिक भवन और मंदिर मस्जिद परिसर में चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार अब किसी भी सामुदायिक भवन या मंदिर मस्जिद के परिसर में कोई भी स्कूल संचालित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे स्कूलों को नजदीक के स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में पटना में सामुदायिक भवन और मंदिर मस्जिद के परिसर में संचालित किए जा रहे स्कूल की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और साथ ही यह सुझाव भी मांगा गया है कि ऐसे स्कूलों को नजदीक के किन स्कूलों में मर्ज किया जा सकता है। सारण में फिर बढ़ी इंटरनेट सेवा बंद की अवधि। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद सारण जिले में सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा पर लगाई गई पाबंदी का समय एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। आज हो रहे छठे चरण के चुनाव में एहतियात बरतने के लिए यह फैसला लिया गया। अब सारण जिले में आज 25 मई की रात 8 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। बता दें कि पहले शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का आदेश दिया गया था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ईजाद किया मखाने की नई वैरायटी। बिहार में मखाने की खेती बड़े पैमाने पर किया जाता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय मखाने की उन्नत वैरायटी और किसानों को अधिक मुनाफा हो इसे लेकर काम कर रहा था। अब इसी कड़ी में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सबौर 1 नामक मखाने की वैरायटी का इजाद किया है, जिसकी खेती भी बड़े भूभाग पर की जा रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय अब किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, तो साथ ही पैकेजिंग व मार्केटिंग को लेकर भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय काम करने जा रहा है। बीएड कोर्स में दाखिले के लिए बिना विलंब शुल्क आवेदन का अंतिम मौका। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में बिना विलंब शुल्क आवेदन का अंतिम मौका 26 मई तक है। अब तक 1,70,000 छात्रों ने पंजीयन करा लिया है। आवेदकों को CET बीएड 2024 के लिए बिना विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया गया था, जिसमें अब मात्र कल तक का समय बचा है। 27 मई से 2 जून 2024 तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा साइबर क्राइम का बड़ा नेटवर्क। बिहार के सीमांचल में हाल के दिनों में साइबर क्राइम का कई मामला सामने आया है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान से साइबर क्राइम का बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है, जिसका खुलासा कटिहार साइबर थाना के प्रभारी DSP सद्दाम हुसैन द्वारा किया गया। बकौल DSP सद्दाम हुसैन इसे लेकर कई मॉड्यूल सामने आए हैं, जिसमें बाहर पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों को उनके बच्चे के गलत केस में फंसे होने की स्थिति में उन्हें छोड़ने, लॉटरी फंसने, बिजली बिल ठीक करने या वीडियो कॉल के माध्यम से लड़कियों की गंदी तस्वीरें दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने जैसे मामले शामिल हैं। क्या है बिहटा एयरपोर्ट का ताजा अपडेट? बिहटा वायुसेना केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए 8 वर्षों से कवायद जारी है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना से यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए सबसे निकट और उपयुक्त मानकर बिहटा वायुसेना केंद्र को वर्ष 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से जमीन की मांग किए जाने के 2 साल बाद 108 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी दखल और 4 दीवारी बन चुकी है।
मगर 8 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी 8 एकड़ जमीन का पेंच अभी तक फंसा हुआ है। जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन नहीं मिल जाती है, तब तक परियोजना को मूर्त रूप देना संभव नहीं होगा। के पाठक लेंगे शिक्षकों की हाजिरी खबर, वेतन भुगतान के लिए शर्त। बिहार के राजभवन और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ के पाठक के विवाद के बीच शिक्षा विभाग द्वारा नया फरमान जारी किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत डिग्री कॉलेजों की हाजिरी की रिपोर्ट हर माह शिक्षा विभाग को देनी होगी, जिसके आधार पर विभाग की ओर से सीधे विश्वविद्यालयों और कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों के खाते में वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसी आलोक में विभाग ने एक नया पोर्टल भी बनाया है, जिसके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का हर माह की हाजिरी की विवरणी विभाग को प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य को समृद्ध करने के लिए औरंगाबाद, शेखपुरा, नालंदा व वैशाली जिले के सिविल सर्जन को राज्य आरओपी के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में अस्पतालों का मुस्कान प्रमाणन के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी अस्पतालों को मुस्कान सर्टिफिकेशन के चारों मानकों SNCU, स्पेशल चाइल्ड OPD, स्पेशल चाइल्ड वार्ड व पोषण केंद्र स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया है। बता दें कि SNCU में 0 से 28 दिन तक के नवजात शिशु व स्पेशल चाइल्ड वार्ड में 29 दिन से 12 वर्ष तक के बच्चों का इलाज किया जाता है। हर वार्ड में पर्याप्त चिकित्सक एवं 24 घंटे पैथोलॉजी सुविधा उपलब्ध करानी होती है। मनरेगा में हो रहा करोड़ों का घोटाला। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत खैरा पंचायत में मनरेगा योजना के कार्यों में मुखिया, पंचायत रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के मिलीभगत से रुपए की भारी लूट खसोट का मामला सामने आया है। मनरेगा के तहत चल रही कई योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर तो कुछ योजनाओं में बिना धरातल पर काम किए जिले के सक्षम अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर पैसे की निकासी करके सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, जबकि चल रही मनरेगा योजना के किसी भी स्थल पर शिलापट नहीं लगाया गया है। दूसरी बार चुनावी रैली करने बिहार आ रहे राहुल गांधी। एक तरफ जहां पीएम मोदी एक महीने में बिहार में कई जनसभाएं कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 35 दिन बाद बिहार में अपनी दूसरी चुनावी रैली करने 27 मई को पटना आ रहे हैं। राहुल गांधी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए 27 मई को पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत और मीसा भारती के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को राहुल ने भागलपुर में चुनावी जनसभा की थी। मोदी सरकार को नहीं मिल रहा बहुमत, भाकपा के दावों पर जदयू का पलटवार। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया है कि लोकसभा के 5 चरणों के चुनाव के बाद जो खबरें मिल रही हैं, उसके अनुसार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा वादा खिलाफी किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ किया है, इसलिए लोग इसका बदला लेने का मन बना चुके हैं। तो वहीं जदयू ने भाकपा माले पर पलटवार करते हुए कहा है कि लोग विपक्षी गठबंधन के दुष्प्रचार से ऊब चुके हैं। संविधान की तरफ देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, लालू यादव का बयान। आज बिहार के पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा वाले कान खोल कर सुन ले, अगर बाबा साहेब के संविधान की तरफ बुरी नजर से देखा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लालू यादव ने आरोप लगाया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, इसलिए बीजेपी वाले संविधान और आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। मैं सिवान की बेटी हूँ, सब पर भारी हूँ, हिना साहब का बयान। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के बीच बिहार के हॉट सीट में से एक सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी और दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने अपने गांव प्रतापपुर में वोट डालने के बाद अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि मैं सिवान की बेटी हूँ, सब पर भारी हूँ। अगर वो जीतती हैं तो किसके साथ जाएंगी, कि सवाल पर हिना साहब ने कहा कि मैं सिवान की बेटी हूँ, सिवान की रहूँगी और आगे जो भी सिवान के बेहतरी के लिए होगा वो मैं करूँगी। BCCI ने राजस्थान टीम के इस खिलाड़ी पर लगाया बड़ा जुर्माना। क्वालिफायर 2 मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली हार के बाद राजस्थान रॉयल्स को एक और बड़ा झटका लगा है। BCCI ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज सिमरोन हेटमायर पर IPL कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है। दरअसल RR की पारी के 14वें ओवर की 4थी गेंद पर सिमरोन आउट हो गए।
सिमरोन से राजस्थान टीम की आखिरी उम्मीदें बची थी। ऐसे में आउट होने पर सिमरोन फील्ड पर ही गुस्सा जाहिर करते दिखे। उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला विकेट पर मार दिया। हेटमायर ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 के तहत लेवल 1 का अपराध किया है, जिसके कारण बीसीसीआई ने उन पर फीस का 10% जुर्माना ठोका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है राजकिशोर महतो, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, गोनर मिश्रा, अमन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, मोहम्मद शफीक, नौसाद रजा, अमित कुमार, नवल किशोर झा, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, प्रमिला कुमारी, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आईपीएल के फाइनल में राजस्थान रॉयल्स के नहीं पहुंचने के क्या कारण हो सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।